ये रास्ता है भाई, इतना केयरफुली आपको चलना होता है ना इन रोडों पे। देखो ओ बहन जो, देखा अब है। तो गाइस जैसे कि हमने लाइव मेरे लगते हुए देख लिया था, बट बेचारा थक जाएगा यार, मैं इससे आगे निकलता हूँ। ये निकलना मैं तो नहीं, आजा 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 आजा। क्या हाल चाल है गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पहाड़ी गाय में। और आगे पीछे तुम नजारे देख रहे हो, बढ़िया से देख रहे हैं ना। तो आज कल एक्चुअली मैं निकल गया था यार दिल्ली से, कल रात को 12 बजे के आसपास। मैंने कल रात को वीडियो शूट स्टार्ट नहीं किया बिकॉज अंधेरे में कुछ भी दिखने वाला नहीं था। तो अभी आप मुझे बैकग्राउंड में देख रहे हो क्या जबरदस्त नजारे हैं। तो ये मैं अभी खड़ा हूँ भाई श्रीनगर में, और ये श्रीनगर आपका कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में क्या सिनेरियो है, क्या सीन्स हैं, और ये कहाँ पे है, क्या है नहीं है। तो गाइस ये कुछ ऐसी जगह है, अभी ये है श्रीनगर, उत्तराखंड वाला श्रीनगर, और मैं जा रहा हूँ गांव कुछ दिन के लिए। बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये है अपनी धन्नो फुल ही लोडेड। कल रात को मैं 12 बजे निकल गया था और अराउंड 7 बजे के आसपास मैं यहाँ पहुँच गया था। ये मेरा है भाई टैंक बैग, और ये सैडल बैग हैं दोनों। ये मेरा मैट है, इस तरफ ये मेरा टेंट है, और ये नीचे, उसके नीचे ये मेरी चेयर है, और ये मेरा कैमरा वगैरह का बैग है, ठीक है। अभी कुछ मैं थोड़ा से यहाँ पे, ये सामने देखो सूरज निकल रहा है, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं अभी थोड़ा बहुत कुछ शूट्स ड्रोन से लेता हूँ, ड्रोन को मैं चला के देखता हूँ कैसा लग रहा है, कैसा चलता है, ठीक है। और उसके बाद मैं अपने GoPro से जो मैंने यहाँ पे माउंट किया है, इससे मैं आगे की वीडियोस वगैरह बनाऊंगा। वो मेरा सामने ड्रोन है, मैंने अभी हेलमेट पहन लिया क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो यहाँ इंगेज है, एंड जो तो मेरे पास कैमरा नहीं था इसलिए मैंने हेलमेट पहन के इसी से मैं शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी आया था, मैंने आपको इंट्रो वगैरह, यहाँ पे मैं अभी आया हूँ, देखता हूँ ड्रोन उड़ता नहीं उड़ता। इसमें बैटरी भी कम है, और लेट्स सी। अब मुझे देखना है ड्रोन में शूट कैसा चल रहा है, अगर मैं वीडियो शूट करता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ से आगे अपने GoPro से वीडियो वगैरह शूट करूँगा, और घर जाके वो क्या कहते हैं ये वाला ब्लॉग ख़त्म कर देंगे। और बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं, कैंपिंग वगैरह करने का पूरा प्लान है इस बार, तो रिवर साइड कैंपिंग करेंगे, फिशिंग करेंगे, और बहुत सारा कुछ। तो चलो तो निकल रहे हैं गाइस श्रीनगर से घर के लिए। होप कि बढ़िया से आवाज़ आ रही होगी, आपको दिख भी रहा होगा अच्छे से बेहतरीन। और हाँ जी, तो अभी मैं श्रीनगर से भी निकल चुका हूँ, और अब इसके बाद हम सीधे घर पे जाके रुकेंगे भाई। रास्ते में एक जगह पर रुकना है, मम्मी ने बोला कुछ मंगवाना है मार्केट से, तो वहाँ पे एक जगह है जो करण प्रयाग के नाम से, जस्ट वहाँ पे रुकूँगा थोड़ी देर के लिए, कुछ सामान खरीदना है वो खरीदते हैं, उसके बाद सीधे घर। और जैसे कि 8:30 हो चुका है, अभी अगर मैं वीडियो शूट वगैरह के लिए रुकता नहीं तो मैं अभी तक पहुंच चुका होता करण प्रयाग, बट अभी मुझे थोड़ा सा, मैंने कहा कि आराम से चलते हैं, तो मैं रुक गया था इसलिए अभी पहुंचा नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली 10 बजे के आसपास या 9:30 के आसपास मैं पहुंच जाऊंगा करण प्रयाग में, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना कि यार बातों पे ही, जैसे कि कहीं तुम शहर में जब मोटो ब्लॉगिंग करते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, क्या मस्त बोलते रहो, सीधी रोड है, चुपचाप चलते रहो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे ना एक तो इतनी कंजेस्टेड रोड है, आपको दिख रही होगी, और इधर से भी गाड़ियाँ उधर से भी गाड़ियाँ आ रही है,
मुझे तो टेंशन ये होती कि मैं कहीं पे रुकता हूँ तो साला कुछ सामान ना छोड़ दूँ वहीं पे। मैंने ड्रोन का क्या क्या था, ड्रोन की वायर रख दी थी, ठीक है, फ़ोन मैंने अपना रख दिया है और ड्रोन भी रख दिया था उसका, वो भी रख लिया था मैंने, अपने गॉगल्स पहन रखे हैं। हाँ ठीक है, वैसे यार भाई कुछ छूट ना जाए, मुझे टेंशन यही है कि ओ भाई साहब बहुत सारे राइडर देख रहे हो तुम, ये बेचारे कहीं घूम के आ रहे हैं कहीं से और हम जा रहे हैं घूमने। ये एक छोटा सा कालू, कालू बेटे कालू, मेरा सिर बहुत मिस कर रहा होगा यार, शायद मिस तो क्या ही कर रहा होगा, लेकिन उसका था कि भाई उसको भी जाना है। ये देख रहे हो तुम कैसी रोड है। रात को मैंने नहीं शूट किया बिकॉज अंधेरे में कुछ भी दिखने वाला तो था नहीं इसलिए, और रात को मेरे को था कि भाई मैं तेजी में फटाफट से गाड़ी खींच लूं और मैं टाइम से पहुंच जाऊं ताकि मैं यहाँ पहुंच गया, नहीं तो मैं अभी ऋषिकेश, अगर मैं ऐसे रात को भी वीडियो शूट करते हुए आता तो मैं ऋषिकेश से थोड़ा ही आगे निकल चुका होता अभी, और उससे ना मुझे टाइम लग जाता। गाइज हम पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाओगे, पहले कट आ चुका है लेफ्ट वाला, तो यहीं से केदारनाथ के लिए रास्ता है, और जैसा कि मुझे तो घर जाना है तो सीधा हम जाएंगे तो ये बद्रीनाथ वाला रास्ता है, ठीक है, जिस पे मैं अभी जा रहा हूँ ये बद्रीनाथ के लिए जाता है, और अगर पहले कट आया था वहाँ से अगर मैं लेफ्ट मुड़ जाता तो अब भी जा सकते हैं, यहीं से केदारनाथ के लिए अलग से रास्ता कटता है, ठीक है। लास्ट हम केदारनाथ गए थे तो यहीं से कटा था वो रास्ता और यहीं से हम भी गए थे, और अभी मैं जा रहा हूँ सीधे बद्रीनाथ वाले रूट पे, तो ये रूट आगे जाके बद्रीनाथ जाके मिलता है चमोली में, जहाँ पे अपना घर है, ठीक है। लेकिन हम बद्रीनाथ नहीं जा रहे हैं बद्रीनाथ में, क्योंकि कपाट अभी बंद है, तो हम जाएंगे बद्रीनाथ में अपनी जब गाड़ी आ जाएगी तब। अब देखते हैं कब भगवान अगर बुलाना चाहेंगे तो गाड़ी भैंस की टांग गाड़ी में लोड थोड़ा ज़्यादा है ना, तो ऐसा लेफ्ट को ऐसा लग रहा है लेफ्ट को ना चले जाऊँ मैं। सो यप, इधर ना यार थोड़ा सा कंजेस्टेड रोड होता है हमारे, यहाँ पे पहाड़ है ना, देखो तुम सामने देखो पहाड़, राइट में पहाड़, चारों तरफ पहाड़, तो यहाँ क्या थोड़ा थोड़ा जगह पे लोग बसे हुए हैं, पता नहीं कब से आके बसे हुए हैं, कैसे बसे हैं ये तो मुझे हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन हाँ लोग आके बसे हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा जगह है, उसी जगह को यूटिलाइज़ किया हुआ रोड के लिए लोगों ने, अपने घरों के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए, तो शहर वाला वो हिसाब किताब नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम होता है। एक कुत्ता देख रहे थे, तो गाइस अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं करण प्रयाग मार्केट, ठीक है। पहले तो तुम रूट देखो यार रूट, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे मार्केट। अरे आराम से मूत ले भाई साला। ओके, तो हम लगाएंगे हेलमेट, करेंगे बंद। सो यहाँ से थोड़ा सा डाउन जाना, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल तो मैं वहीं से भरवा के ले आया था, तो यहाँ पेट्रोल भराने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ होती है यार पेट्रोल पंप पे बहुत ज़्यादा। देखो गाइस कैसे रोड है, सामने पहाड़ है, उसके नीचे लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी करी है, तो ऐसा ही होता है, मतलब टिपिकल जो पहाड़ वाले मार्केट्स होते ना वो ऐसे होते हैं। देखो तो गाइस अभी हम पवली मार्केट से भी निकल रहे हैं यार, यहाँ से भी जो सामान लेना था ले चुके हैं, अब जा रहे हैं हम घर को। अब यहाँ से अपने गांव के लिए एक ब्रांच रोड कटती है, ठीक है, ये तो हाईवे है, हालत ख़राब है लेकिन हाईवे है, कुछ कह नहीं सकते ना, ये नेशनल हाईवे है, ठीक है। और हमारे जो गांव के लिए रोड जाती है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, जो गांव के लिए रोड जाती है ये है भाई वो, ठीक है, ये हाईवे नहीं है, ये ब्रांच रोड है, ये पक्की की सड़क है। मुझे लगा ठीक है, तो यही रोड है भाई अपने गांव के लिए जाने के लिए, और यहाँ लिमिटेड गाड़ियाँ चलती है, ठीक है, जहाँ जहाँ जिस जिस गाँव के लिए ये रोड जाती होगी वहाँ वहाँ की गाड़ियाँ यहाँ पे चलती है, यहाँ पे ऐसे कोई कोई बसेस वगैरह या गवर्नमेंट कोई भी व्हीकल नहीं चलता है, जो है नेशनल हाईवे होता है वहाँ पे गवर्नमेंट व्हीकल्स वगैरह चलते हैं,
यातायात के लिए जो भी गवर्नमेंट ने मतलब होता ना हिसाब किताब गवर्नमेंट का कि हाँ भाई यहाँ पे चलेगा ऐसा वैसा कुछ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो लोकल गांव के लोग होते हैं वो अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं एंड हाँ। तो गाइस जैसे मैंने बोला इस रोड का भी एक ब्रांच रोड है। अब ये भगोली से चूला कंपनी मार्ग ये अपने गांव के लिए जा रही है और ये उधर से जा रही है दूसरे गांव के लिए। तो जो ये दूसरे गांव के लिए जा रही है रोड पहले से थी, हमारे लिए ये रोड रिसेंटली नहीं, हमारे लिए ये बाद में बनी थी ये रोड, ठीक है। इसलिए और तो गाइस एक जगह पे वीडियो शूट कर लेते हैं हम बढ़िया से बैठ के। तो यही रूट है भाई, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, ये वाला रूट मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को दिखा रखा, बहुत ही खतरनाक है, डर लगता है इधर। मतलब टूटा फूटा नहीं है रूट अच्छा है, बट ऐसे हाइट पे है और सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है ना। कहीं कहीं पे तो जैसे इन लोगों ने ये बना रखा है ये अच्छा है, लेकिन बाकी जगह पे नहीं बना रखा ना। तो यहाँ तो बिल्कुल तेज चला नहीं चला सकता, और ये ऊपर जाना है हमें, ऊपर और ऊपर चढ़ते जाना है। थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाता हूँ यार मैं ना। तो गाइस ये अपडेट है, ये धन्नो खड़ी है और मैं आपको दिखाऊं तो नीचे, भाई साहब देख रहे हो नीचे दिख रहे तुम्हें, ये देखो यार मुझे ऊपर चढ़ना है और वहां से जो टॉप चोटी दिख रही ना, जो जैसे ये वाली चोटी सामने ये है, इसी के सीधे में एक चोटी है, इसके पीछे जाना, वहां मेरा गांव है। तो सोचो कहां आ रखा हूं मैं, और ये पूरा रूट है। अब मैं आगे यहां से रूट कवर नहीं करूंगा, सीधे जैसे मैं घर पे पहुंच जाऊंगा ना तो वहां आपको दिखाऊंगा क्या हिसाब किताब है। गाँव उतना वाव है ना मेरा, तुम देखते रह जाओगे। चलो ठीक है, ले चलता हूँ आपको आगे। तो शेरू तो नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई शेरू का भाई मिला है। हेलो बेटे ये भाग रहा है, ये गाड़ी को देख के डर रहा है मुझे लग रहा है। चलो मेरे बच्चे, अभी शेरू होता ना तो भिड़ जाता है इससे पता भाग मिल्खा भाग, ओए ले आजा बेटे, पिटू 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 पिटू, रुक जाओ रुक जाओ, ले बेचारा थक जाएगा यार, मैं इससे आगे निकलता हूँ, ये निकल मैं तो नहीं देर, आजा 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 आजा, भग गया रुक गया वो भाई साहब। अब यहाँ से मुझे उतरना पड़ रहा, पहले ऊपर चढ़ना पड़ रहा था, यहाँ से उतरना पड़ा। मैं क्या करता हूँ भाई, न्यूट्रल कर लूँ गाड़ी। ओ बेटा न्यूट्रल पे ब्रेक नहीं लगते भाई अच्छे से, पर डिस्क ब्रेक है, फ्रंट तो आराम से लग जाता है ना, और इतना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। तो गाइस ये है हमारे गांव का रास्ता, और बहुत ही खतरनाक ये रास्ता है भाई, इतना केयरफुली आपको चलना होता है ना इन रोडों पे। देखो ओ बहन जो देखा अब बैठे। तो गाइस जैसे कि हमने लाइव मेरे लगते हुए देख लिया था बट ओ माय गॉडनेस, बाल बाल बचा, माँ कसम नीचे निकल गया था मैं तो। तो यही दिक्कत है भाई, हाँ टू व्हीलर के साथ पता प्रॉब्लम यही है, टू व्हीलर के साथ प्रॉब्लम है। पता क्या, मैंने न्यूट्रल कर रखी थी ना गाड़ी, और गाड़ी स्किट हो गई, गाड़ी गियर में होती तो घच करके रुक जाती। ओ भाई 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 ऊपर तो बाल बाल बचा मैं मुझे लगा एक बार को मेरा दिमाग में आया मैं गया यहाँ से नीचे, लेकिन बच गया भाई, किस्मत अच्छी है मेरी, बाल बाल बचा हूँ। फाइनली पहुँच गया हूँ गांव, ये मेरी धन्नो खड़ी है और यहीं कहीं मैं धन्नो खड़ी कर दूंगा अपनी, ठीक है। ये सामने ऊपर मल्ला गपनी है, और ये जो नीचे है ये तल्ला गपनी, जो कि मेरा गांव है एक्चुअल में। और उस आजकल क्या है कि जंगलों में ना आग लगी है, इसलिए धुआं धुआं हो रखा है यहाँ पे। देखो जैसे सामने वाले जंगल में पूरा आग लगी, ब्लैक ब्लैक हो रखा है, तो आग लग गई वहाँ, और इधर वाले जंगल में भी आग लग गई। ये नीचे स्कूल है भाई अपना, हो तो यही था। तो क्या है कि अभी पहुंच गया हूँ, अब मैं निकलता हूँ यार यहाँ से घर, ये सारा सामान उठाता हूँ
और निकलते हैं घर। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय गाइस।